महाराष्ट्र में पूरा हुआ मिशन। अभी अजीत दादा ने भी कहा है कि विकास को हम साथ दे रहे और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। बिहार में शुरू हुआ ऑपरेशन। बिहार में भी बगावत की स्थिति बन रही है। टिक गई नजर, पड़ा हैरान। देश के विकास के लिए बहुत सारे राजनीतिक दल एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं। चौबीस की डगर कहां कहां बीजेपी की नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र से आ रही है। एनसीपी में फूट के बाद मुलाकातों का दौर जारी है। थोड़ी देर पहले शरद पवार से संजय राउत की मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद संजय राउत ने दावा किया कि महाविकास अघाड़ी के घटक दल एकजुट हैं। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जिनके पास 105 विधायक हैं वो वेटिंग में है, जबकि जिनके 2 से 5 विधायक हैं उन्हें शपथ दिलाई जा रही है। यानी संजय राउत उस नब्ज को छेड़ते हुए जिसमें बीजेपी के तमाम विधायक इंतजार में ही खड़े रह जाएंगे। लेकिन चूंकि अजीत पवार ने एनसीपी को तोड़ने में एक तरह की कामयाबी पाई है, तो उनके पास चाहे कम से कम विधायक हो लेकिन वो मंत्री पद की शपथ ले रहे। आइए आपको सुना देते हैं संजय राउत ने कैसे हमला किया है शरद पवार से मुलाकात के बाद। माननीय पवार साहब से मेरी अभी मुलाकात हुई है। आज सुबह हमारी पार्टी की भी एक मीटिंग हो गई थी, इसलिए मुझे आने में यहाँ थोड़ा देरी हो गई। इस संकट के घड़ी में जो संघर्ष का समय चल रहा है राष्ट्रवादी कांग्रेस का, शिवसेना भी एक साल से यही संघर्ष कर रहा है, तो हम सब महाविकास अघाड़ी के बैनर के नीचे हम एक साथ हैं। ये हम बताते हैं बार बार। आज उद्धव ठाकरे साहब और पवार साहब से भी बातचीत की है दोनों ने, जितने के साथ, और सभी नेता कांग्रेस हो चाहे राहुल गांधी जी हो चाहे पवार साहब हो चाहे उद्धव ठाकरे जी हो, निरंतर एक दूसरे के संपर्क में है। तो संजय राउत ये कहते हुए कि हम सब एकजुट हैं महाविकास अघाड़ी में, और ये तंज भी उन्होंने कसा है कि जिनके 105 विधायक हैं वो तो इंतजार कर रहे हैं लेकिन जो 2, 5, 4 विधायकों के साथ पहुंचे हैं वो सब मंत्री बन रहे हैं। बहरहाल हल्ला बोल में आज बात 2024 की, क्योंकि 2024 की डगर और कहां कहां है बीजेपी की नजर। महाराष्ट्र में अजीत पवार वाले मिशन के बाद बिहार में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी जेडीयू में बगावत का दावा कर रही है। बीजेपी के दावे के बीच नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के सांसदों विधायकों से 1-on-1 बैठकें शुरू कर दी है, मुलाकात कर रहे हैं। इस बीच राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने नीतीश से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश की एनडीए में वापसी हो सकती है। कई लोग ये बात सुनकर हैरान रह जाएं, लेकिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जो दावा किया है वो सुनिए। कह रहे हैं अभी कई और पार्टियां एनडीए में शामिल होंगी। वो कह रहे हैं कि मोदी और मोदी सरकार जो विकास की राह पर है उसमें सब एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। आप फिर एक तरफ देख रहे हैं कि किस लोकसभा चुनाव में एनडीए में कितनी पार्टियां थी। 1998 में एनडीए में 14, तो 2014 लोकसभा चुनाव में 29 पार्टियां थी, लेकिन 2019 में एनडीए पार्टियों की तादाद घटकर हो गई 18। आप फिर दूसरी तरफ देख रहे हैं किस किस राज्य में किस किस पार्टी के एनडीए में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। कर्नाटक में जेडीएस और पंजाब में अकाली दल फिर से एनडीए में आ सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। हम आपको यह भी दिखा रहे हैं कि बीजेपी की संभावित सहयोगियों ने लोकसभा चुनाव 2019 में कितनी सीट और कितने वोट हासिल किए थे। आज इसी से जुड़े तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 की डगर में बीजेपी की नजर आखिर कहां कहां है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। नई एनसीपी को मुंबई के नरीमन पॉइंट में नया दफ्तर मिल गया। इस दफ्तर में कार्यकर्ता अजीत दादा जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और बड़े कद वाले नेता 40 विधायकों के साथ होने का दावा कर रहे हैं। 40 का ओवर चांदला नंबर है। मी बोलते मैं एक काम करेल आज गेल्यावर व्यवस्थित बोलतो। उधर शरद पवार के गुट के भी अपने दावे हैं।
अब सवाल ये कि किसके पास ज्यादा विधायक हैं और एनसीपी पर दावेदारी किसकी मजबूत है, इस सवाल का जवाब चंद घंटों बाद मिलने की उम्मीद है। कल यानी 5 मई को दोनों गुटों ने बैठक बुलाई है, जिस बैठक में ज्यादा विधायक उसकी ज्यादा ताकत। दोनों गुटों ने मीटिंग बुलाई है, उस मीटिंग में कौन कितने आते हैं उसके हिसाब से आगे जाके हम बता सकते हैं। एनसीपी में फूट और बगावत तो है, लेकिन शरद पवार के विरोध में कोई खुलकर नहीं बोल रहा। साथ ही अजित पवार गुट के कार्यकर्ताओं और नेता शरद पवार की तस्वीरों से भी परहेज नहीं कर रहे। आज तक से खास बातचीत में शरद पवार ने चेतावनी दी और कहा, जो मेरे विचारों के खिलाफ है, जिनसे मेरे वैचारिक मतभेद है, वो मेरे तस्वीर का इस्तेमाल ना करे। मेरी तस्वीर किसे इस्तेमाल करनी चाहिए वो मेरा अधिकार है। मैं जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, उस पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष जयंत पाटिल हैं और उनकी ही पार्टी मेरी तस्वीर इस्तेमाल कर सकती है। महाराष्ट्र में सियासी खींचतान की धमक बिहार में भी सुनाई देने लगी है। बीजेपी ने दावा किया नीतीश कुमार को झटका लगने वाला है। नीतीश कुमार के बाद जनता दल यू का कोई भविष्य नहीं है, सारे लोग अपना भविष्य अंधकार में देख रहे हैं। और नीतीश कुमार अगर अपना ये निर्णय वापस लेते हैं कि उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव नहीं होगा तो एक अलग बात है, नहीं तो पार्टी टूट में टूट की स्थिति है। मंत्री जी अपने विधायकों से मिल रहे हैं, अब भाजपा को इससे भी जलन हो रही है, भाजपा इससे भी परेशान है। हाल ही में एनडीए में शामिल हुई जीतन राम मांझी की पार्टी ने दावा किया कि जेडीयू के विधायकों पर लालू की नजर है, तो दूसरी ओर लालू साथ होने का दावा कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल जेडीयू को तोड़ना चाह रही है, नीतीश कुमार जी को सीएम से हटा करके उन लोग खुद सीएम का पद लेना चाह रहे हैं। और ये नीतीश कुमार जी को पता चल चुका है, अब पता चल चुका है तो अपनी रणनीति वो कर रहे हैं, किस तरह से विधायकों को रोक के रख सके। सुना, चर्चा कर रहा सर कि बिहार में एमपी लोगों को तोड़ दिया जाए, एमपी को तोड़ बिहार में से निकालो, बिहार कहां हिलता जुलता है, हिलने जुलने नहीं देंगे हम लोग बिहार में। तो क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पलटू राम साबित होंगे? इस कयासबाजी की पहली वजह ये कि नीतीश अपने विधायकों सांसदों से मिल रहे हैं। नीतीश ने एक दिन पहले ही पटना पहुंचे राज्यसभा के उपसभापति और जेडीयू सांसद हरिवंश से भी मुलाकात की है। सूत्र बताते हैं कि नीतीश हरिवंश से नाराज चल रहे थे क्योंकि हरिवंश नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे, उस कार्यक्रम का जेडीयू ने बहिष्कार किया था। ऐसे में अपने पार्टी सांसद हरिवंश से नीतीश का मिलना मुलाकात कई मायने में खास है। दोनों की साल भर में पहली मुलाकात है। एनडीए से अलग होने के बाद भी हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति बने रहे। सियासी जानकार बताते हैं कि नीतीश ने हरिवंश पर कभी पद छोड़ने का दबाव नहीं डाला क्योंकि वो एनडीए से बातचीत का रास्ता बंद नहीं करना चाहते। जो मुख्यमंत्री दो दो बार जनादेश का ऐसे अपमान कर सकते हैं तो वो तीसरी बार कुछ भी कर सकते हैं। क्रेडिबिलिटी क्राइसिस, क्रेडिबिलिटी तो अब रही नहीं भाई, मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता पे ही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है और ये प्रश्न चिन्ह हर बिहारी के दिमाग में है जब मुख्यमंत्री की क्रेडिबिलिटी की बात आती है। नीतीश कुमार ने कोई एप्लीकेशन भाजपा के यहाँ जारी नहीं की है, भारतीय जनता पार्टी के नेता तिल का पहाड़ बना रहे। बात सिर्फ महाराष्ट्र और बिहार तक सीमित नहीं है, बीजेपी इशारा कर रही है कि 2024 से पहले कई और पार्टियां एनडीए का दामन थाम सकती है। देश के विकास के लिए बहुत सारे राजनीतिक दल एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं और एनसीपी ने उसकी शुरुआत की। 2024 की दृष्टि से भी इन दलों का साथ में जुड़ना और कई और दलों का भारत के विकास के लिए एक मजबूत, निरंतर और स्थिर सरकार भारत के हित में देखते हैं तो लोगों का जुड़ना स्वाभाविक है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, नए नए समीकरण बनेंगे। बात सत्ता और सियासत की है, जहां विचारधारा और निष्ठा कभी भी बदल जाती है। आज तक ब्यूरो। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, प्रवक्ता, सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। केसी त्यागी जी नेता जेडीयू के जुड़ गए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, बृजमोहन श्रीवास्तव जी प्रवक्ता एनसीपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील मोदी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार के, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। सुशील जी, कहते हैं जो बादल गरजते हैं वो अक्सर बरसते नहीं है,
आप लोग पहले से खाली माहौल बना रहे हैं या वाकई जेडीयू में टूट संभव है? और अगर ऐसा है तो किस किस ने आपसे संपर्क किया है, कितने जेडीयू नेताओं ने किया है? देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि बीजेपी किसी पार्टी को तोड़ने में विश्वास नहीं करती है और न ही हम बिहार में कोई सरकार बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, क्योंकि फासला बहुत बड़ा है। हम 2025 का इंतजार करेंगे और हम 2025 में चुनाव जीत कर आएंगे और बिहार में सरकार बनाएंगे। तो टूटना ना टूटना ये उनका आंतरिक मामला है। मैंने तो ये कहा कि एक विद्रोह की स्थिति है, क्योंकि जनता दल यू के अंदर कोई भी तेजस्वी को उत्तराधिकारी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार 2024 के बाद रहेंगे नहीं राजनीति के अंदर, मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं है। तो जो जदयू के विधायक हैं वो असमंजस में हैं, वो अपना भविष्य असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और जो उनके एमपीज हैं वो नरेंद्र मोदी की बदौलत चुनाव जीत कर आए हैं। अगले चुनाव में तो नरेंद्र मोदी उनके साथ हैं नहीं, और उनको टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये भी संदेह है, क्योंकि पिछले बार 17 सीटें मिली थी और 16 जीत कर आए थे। इस बार 10वीं सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो जो उनके सांसद हैं वो भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी न तो किसी सांसद को स्वीकार करेगी न किसी और को। हमको जरूरत क्या, हमारे पास तो हर लोकसभा क्षेत्र में इतने दमदार उम्मीदवार मौजूद हैं। हमने तो 5 सीटिंग सीट दी थी जनता दल यू को चुनाव लड़ने के लिए, हमारे सीटिंग एमपीज की टिकट काट कर। तो हर लोकसभा क्षेत्र में हमारे पास लोग हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर चलते फिरते लोग मिलते हैं और वो वहाँ घुटन महसूस कर रहे हैं। लेकिन देखिए, बीजेपी ने अपना दरवाजा बंद कर रखा है। हम न तो जदयू के किसी सांसद को पार्टी में शामिल कराने में भरोसा करते हैं, न उसकी हमको आवश्यकता है। लेकिन उस दल के भीतर की जो स्थिति है मैंने उसका वर्णन किया। नहीं तो 16 साल हो गया आज तक, तो नीतीश कुमार 1-to-1 कभी किसी एमएलए एमपी से नहीं मिले। 6-6 महीना साल साल भर लोग इंतजार करते थे, तो बड़ी मुश्किल से 5 मिनट का समय मिलता था। ये क्या दर्शाता है, 3 by-elections और 2 by-elections हार गए और 1 by-election में बीजेपी को 64,000 वोट आया। तो महागठबंधन को तो हम लोगों ने पराजित करके दिखला दिया है। तो वहां का राजनीतिक माहौल जिस प्रकार का बन रहा है उसके अंदर जनता दल यू से एक और चर्चा है, जदयू का विलय हो जाएगा राजद के अंदर, और हम लोग को एक अधिकृत जानकारी कि आज तक के लिए विलय होना है। और बड़ी संख्या में विधायक हैं जो न तो विलय चाहते हैं न तेजस्वी को स्वीकार कर। खुद जगता बाबू का बयान है, जगतानंद सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है, और ये उनका समझौता जब 9 अगस्त को उनका महागठबंधन बना उसमें यही समझौता है कि उत्तराधिकारी बनेंगे तेजस्वी यादव, सत्ता सौंप देंगे तेजस्वी यादव को, और जनता दल यू का विलय हो जाएगा राजद में, एक बड़ी पार्टी बन जाएगी। नीतीश कुमार को भी फायदा है कि आज वो जहां 44 विधायकों के नेता हैं, कल वो 110 विधायकों के नेता बन जाएंगे। तो नीतीश कुमार तो पहले भी एक्विजिशन और मर्जर, ये पॉलिटिक्स पहले भी करते रहे। अच्छा, कितनी पार्टियों में मर्ज हुई, टूटी जो है, इसलिए आज निकल तो ये होना है। ठीक है, ये आप कह रहे हैं और जगदा बाबू को आप कोट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आरजेडी में विलय होगा नहीं होगा, पता नहीं केसी त्यागी जी इस पर क्या कहेंगे। लेकिन 2-3 प्रश्न है जल्दी जल्दी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। देखिए, वो जो कहें वो थोड़ी स्वीकार करेंगे। अच्छा, कोई भी पार्टी ये कैसे स्वीकार करेगी जिन्होंने अपने खून पसीना एक पार्टी के लिए लगाया है। मेरा सवाल आपसे ये है सुशील जी, कि आप अगर ये कह रहे हैं कि आप किसी भी सांसद विधायक को अपनी तरफ करेंगे नहीं, अच्छा लगता है इससे ज्यादा वो सवाल जवाब नहीं करना चाह रहे, वैसे डिबेट नहीं, आपसे सवाल ही मैं करना चाह रही थी। केसी त्यागी जी, एक कमेंट आपका हो जाए, उसके बाद मैं सुधांशु जी पर जाऊंगी। वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों का विलय होने वाला है सुशील जी। अच्छा, मुझे लगा आप माइक हटा रहे थे, मैं तो 2-3 सवाल और आपसे करना चाह रही थी, डिबेट में आपको नहीं शामिल कर रही थी, 2 सवाल और है। दूसरा सवाल ये जी, सुशील जी, आप अभी कह रहे थे कि हम उनके सांसदों और विधायकों को अपनी पार्टी में लाने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर आप कर क्या रहे हैं? मतलब ये जो रोज आप लोग कहते हैं कि वहां विद्रोह हो गया है, वहां पर टूटने वाली है जेडीयू, इसको कहने के पीछे मकसद क्या है? ए, हरिवंश जी वहां पर पहुंचे हैं और ये माना जा रहा है कि जब वो नए पार्लियामेंट के उद्घाटन में गए थे तो नीतीश बाबू उनसे बड़े नाराज थे, तो वहां पर हरिवंश जी क्या मैसेज लेके गए हैं? आपकी भी मुलाकात हुई है क्या? नहीं, मेरी कोई मुलाकात नहीं, मुझे पता भी नहीं, मैं तो आप ही के चैनल से जान रहा हूं, सुन रहा हूं कि हरिवंश जी की मुलाकात हुई है। उनके पार्टी के सांसद हैं तो मुलाकात हुई होगी,
इसका कोई अलग निहितार्थ नहीं हो सकता। और देखिए एक बात तो अमित शाह जी ने 2 माह पूर्व स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को अब दोबारा या तिबारा एनडीए में हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो जब अमित शाह ने बयान दिए तो बार बार इस बात को दोहराना मीडिया के अंदर कि नीतीश कुमार आ सकते थे कि अब तो वो लाइबिलिटी हो गए, अब तो बोझ है, चाहे वो लालू यादव हो या सुशील या राष्ट्रीय या जन बीजेपी हो, अब वो उनके पास वोट इकट्ठा करने की ताकत नहीं है। तो एक जमाने में नीतीश कुमार एसेट थे, अब तो वो लाइबिलिटी हो गए, चाहे वो राजद हो या जनता पार्टी हो। इसको लॉक करके रख लेना 4 जुलाई 2023 जी एकदम लॉक कर लीजिए 6:12 आज आप सुशील जी एकदम लॉक कर लीजिए। मैं कह रहे हैं कि बीजेपी कभी उनके साथ मिलकर सरकार नहीं बनाएगी। लॉक कर लीजिए, सेकंड भी नोट कर लीजिए। खराब है सर, आप जब जब बोले वो नहीं आएंगे, आपने हाथ मिला लिया है। नहीं मेरा मेरा कोई ट्रैक रिकॉर्ड खराब नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए, सेकंड भी नोट कर लीजिए। हम किसी कीमत पर नीतीश कुमार को अब स्वीकार नहीं करेंगे एनडीए में या भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने में। देख लिया उनको जिस व्यक्ति का ये चरित्र कि आज वो तेजस्वी यादव को बर्खास्त करने के बजाय और उसके संरक्षण में खड़े हैं। पूरी जनता दल यू बयान दे रही है तेजस्वी यादव के पक्ष में, और यही ललन सिंह है जिन्होंने सारे दस्तावेज उपलब्ध कराए। यही ललन सिंह है जो सीबीआई के पास गए, दस्तावेज दिए कि लालू यादव की जांच सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि दस्तावेज थे कि नौकरी के बदले और जमीन लिखवाई जा रही है। तो इन लोगों को बदलने में कितना समय लगता, तो ये बदल जाए। लेकिन अब बीजेपी का दरवाजा, चाहे ललन सिंह हो या नीतीश कुमार हो, इनके लिए उनका दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए और बंद है। ठीक है, अब जरा हवा हवाई बात छोड़ते हैं सुशील जी, और एक स्पष्ट सीधा सवाल करती हूँ। जेडीयू वाले भी ऑफ रिकॉर्ड ये मान रहे हैं कि दो सांसद उनके बीजेपी की तरफ खुलकर झुक रहे हैं। आपके पास कितनों की जानकारी है, जेडीयू के कितने सांसद और विधायक दोनों का नंबर? देखिए मैं कोई संख्या की बात नहीं करूंगा, मैं इतना ही कह दूं कि आज नरेंद्र मोदी का जलवा पूरे दुनिया के अंदर, कोई बीजेपी का सांसद क्यों छोड़ के जाना चाहेगा, उस डूबती हुई नैया में कौन सवार होना चाहेगा जिसके पास न तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, जेडीयू जिसके पास न कोई वोट बचा। आज नीतीश कुमार का अति पिछड़ा मैं बता दिया ना, आने कोई कितने भी हम तो लेने के लिए तैयारी नहीं है ना। उनके आधे दर्जन से ज्यादा लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं, हम लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया, हमको जरूरत ही नहीं है, हम क्यों लेंगे, हम उसको लेकर हम क्यों अपने ऊपर बोझ लेंगे किसी को। 6 की 12 है, हम क्यों किसी को स्वीकार करेंगे, हमको आवश्यकता ही नहीं है ना। अगर किसी को आवश्यकता होगी तब ना 2 हो 4 हो या 6 हो किसी को लेगा, हमको तो लेने की आवश्यकता ही नहीं है। हम सक्षम है चुनाव जीत कराने में, और नरेंद्र मोदी का चेहरा और बीजेपी का संगठन हमारे साथ है। चिंता जदयू को करनी है जिनके पास न चेहरा है न संगठन है न वोट बैंक है। उनका पूरा वोट बैंक तो खिसक कर बीजेपी की तरफ आ गया, चाहे वो धानुक का वोट हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे अति पिछड़ा हो। तो जिस वोट बैंक का दम भरते थे नीतीश कुमार, उस वोट बैंक का 80% से ज्यादा तो आज बीजेपी की तरफ खिसक कर आ चुका। तो एक स्पेंट फोर्स जो है, एक बुझी हुई मशाल के साथ हम क्यों जाएंगे? अब दम क्या बचा नीतीश कुमार में कि हम उनके साथ कोई समझौता करेंगे? एक आखिरी सवाल है सर, बीजेपी की अब ऐसी छवि बन रही है, देखिए आपने खुद ही कहा ना कि नीतीश बाबू जो कि मिलते नहीं थे विधायकों से, सांसदों से 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं, ये आपका साइड इफेक्ट है। अब इतना लोग डरते हैं आपसे कि अब उनको लग रहा है कि पता नहीं हमारे विधायकों, जो एकजुटता, विपक्षी एकजुटता की दूसरी बैठक होनी थी शिमला को कैंसिल करके बेंगलुरु में होनी थी, उसको टाल दिया गया है। अब बगावत का जला बैठकें भी फूक फूक कर रहा है, ये आप लोगों का साइड इफेक्ट है, सब डरते हैं कि आप लोग तोड़ देंगे। नहीं होगा साइड इफेक्ट, लेकिन मैं उनको स्पष्ट कर दूं कि नीतीश जी डरने की जरूरत नहीं है, न हम सेंध लगाएंगे, न सेंध लगाने में विश्वास करते हैं, न हम तोड़ेंगे न तोड़ने में विश्वास करते हैं। और आपके कोई सांसद अगर आना भी चाहेंगे तो भी बीजेपी का दरवाजा बंद है, हम किसी को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशील मोदी जी, पूर्व डेप्यूटी सीएम बिहार, आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। एक बार केसी त्यागी जी का इस पर रिएक्शन हो जाए, उसके बाद सुधांशु जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूं, सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेन जी आपके पास भी और ब्रिजमोहन जी आपके पास भी। त्यागी जी, कितने सांसद आपके भटक रहे हैं? 3 बड़ी बातें उन्होंने कही है सर, तीनों पर आपका जवाब ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि जेडीयू का जल्द विलय होने वाला है आरजेडी में, जेडीयू के सांसद विधायक आधा दर्जन उन्होंने कहा, फिर 12 भी कहा, कह रहे इतने सांसद विधायक बीजेपी का दरवाजा खटखटा रहे हैं।
और तीसरी बात उन्होंने कही कि घबराहट में नीतीश बाबू सबसे वन टू वन मीटिंग कर रहे हैं, जो पहले नहीं करते थे, क्योंकि अब वो भी डर गए हैं कि विद्रोह हो रहा है तेजस्वी को थोपने की वजह से। त्यागी जी, अंजना जी, जी सुशील मोदी जी हम लोगों के मित्र हैं और लंबे समय तक हमने साथ काम किया है। ये कटता और इस तरह का व्यवहार वही अपने पुराने मित्रों से कर सकते हैं, मैं नहीं करना चाहता। लेकिन आजकल टीवी चैनल और अखबारों की जो कतरने हैं वो सब सुरक्षित रखते हैं, उसमें से एक मेरे पास है। जब 2010 का चुनाव हो रहा है विधानसभा का, बिहार का, हो सकता आप भी कवर करने के लिए गई हूँ, उस समय नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम बनता है पटना का और बिहार के कई और जगहों पर। नीतीश कुमार जी उस प्रोग्राम को टलवाने के पक्ष में है कि नहीं, उनकी यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। सुशील मोदी जी का बयान मैं पढ़ के सुनाता हूँ और वो कहते हैं यहाँ ऑलरेडी एक मोदी है, दूसरे मोदी की क्या जरूरत है। और उन्होंने श्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन का विरोध किया है, नंबर एक। नंबर दो, जो आपका संबोधन है वो भी कॉन्ट्राडिक्टरी है कि जेडीयू का बीजेपी के साथ पुनः तालमेल हो रहा है, एक, और जेडीयू के बहुत सारे एमएलए एमपी टूट करके जा रहे हैं बीजेपी में, दो, और तीसरा उनको कोई लेने के लिए भी तैयार नहीं है। तो तीनों में से एक तो ये तय कर लीजिए आप और सुशील मोदी मिलकर के कि हम बीजेपी के साथ दोबारा जा रहे हैं, नंबर वन, हमारे एमपी टूट रहे हैं, नंबर दो, नंबर तीन, बीजेपी उनको लेने को तैयार नहीं है। ये कोई अच्छी डिबेट नहीं है, ये कोई स्टैंडर्ड की डिबेट नहीं है जिसमें एक आदमी अपनी इच्छा के अनुसार वक्तव्य देके चला जाए और सुनने के लिए भी तैयार न रहे। एक एमएलए तोड़ करके दिखाएं सुशील मोदी जी, हम तो सुशील मोदी जी को तोड़ रहे थे आपकी जानकारी के लिए। पूरी बीजेपी में जो उनकी क्रेडिबिलिटी खराब हुई, हाँ, वो सिर्फ इस वजह से हुई कि वो हमारे बहुत करीब थे। और ऐसी भाषा मित्रों के लिए जो इतने लंबे समय तक साथ रहे हो, मैं अब अगर आप सुधांशु जी को ना बुला रही हो तो मैं थोड़ा इस बहस को और बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं लौट रही हूँ सर आपके पास। मैं लौट रही हूँ, ठीक है, अपनी बात कर लीजिए, उसके बाद से मैं सुधांशु जी के पास जा रही हूँ। सुधांशु जी आ रही हूँ फौरन सर। हाँ, त्यागी जी को अपनी बात कर ले। त्यागी जी, सुधांशु जी माफी चाहता हूँ, अटल जी का नहीं, आप पूरी बात। अटल जी का एक युग था, गोल्डन पीरियड ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया, अकाली दल पूरा का पूरा उनके साथ था, आज अठवाल उनके साथ है, समता पार्टी लेड बाय जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार और शरद यादव सारी की सारी उनके साथ थी, आज कुशवाहा और मांझी हैं, टीएमसी पूरी की पूरी उनके साथ थी, आज शुभेंदु हैं, टीडीपी पूरी की पूरी चंद्रबाबू नायडू समेत उनके साथ थी, आज एक मिश्र चौधरी हैं, बीएसपी पूरी की पूरी अटल जी के नेतृत्व में साथ थी, आज ब्रजेश पाठक जी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पूरा का पूरा जमावड़ा इनके साथ था, आज बुखारी और लोन है, एनसीपी के प्रमुख को चेयरमैन बनाया हुआ था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का आदरणीय अटल जी ने, आज अजीत पवार उनके साथ हैं। तो ये बदली हुई राजनीति है, इस पर किसी को, और मैं सुधांशु जी आपको नहीं मैं एड्रेस कर रहा हूँ, मैं अपने पुराने मित्र को कर रहा हूँ। और ये तो दौर बदलते हैं अंजना जी, एक दौर ऐसा भी था जनसंघ में आमतौर पर टूट नहीं होती है, लेकिन कांग्रेस इतनी मजबूत थी कि जो पहला अध्यक्ष था 1954 का मूलचंद शर्मा, सुधांशु जी की मेमोरी मेरी से अच्छी है, उनको कांग्रेस ने तोड़ करके कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा दिया, बलराज मधोक और पीताम्बर दास जी, मैं जिस लोकदल में था चरण सिंह जी के में, उसमें वो शामिल हो गई थी। तो वक्त की बात है, ठीक है, और जो लोग जा रहे हैं टूट रहे हैं, ठीक है। अब मैं उल्टा ये कहना चाहता हूँ अंतिम बात जी, कि ये 23 जून का साइड इफेक्ट है, ठीक, क्या ये 23 जून का साइड इफेक्ट है सुधांशु जी? लोकसभा की सीटों पर मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्षों के साथ, ठीक है, ठीक है, वही यही सवाल आपने जो आखिरी बात कही वही सवाल उनसे पूछ लेती हूँ। और वो कह रहे हो तो सुशील मोदी को शामिल करना चाह रहे थे और नीतीश बाबू से उनकी करीबी ही उनकी वजह रही बिहार में उनके लिए खेल बिगड़ने में। देखिए केसी त्यागी जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हम सबसे कहीं अधिक समय से राजनीति में सम्मानित नेता हैं, परंतु अब ये उनका नजरिया है देखने का। जैसे इन्होंने 23 जून का साइड इफेक्ट कहा, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ 23 जून का ही साइड इफेक्ट है त्यागी जी, जानते क्या साइड इफेक्ट है? देखिए गठबंधन दो आधारों पर होते हैं अंजना जी, एक
यदि खंडित जनादेश आ गया हो और विवशता हो कि किसी न किसी से गठबंधन करना है और पार्टी अपने लॉन्ग टर्म राजनीतिक हित अथवा देश के हित को ध्यान में रख के करे, जैसे हम उदाहरण देते हैं, हमने पीडीपी से गठबंधन किया, जम्मू कश्मीर में फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया, हमारा 30 साल के बाद क्लियर मेजोरिटी आई थी, एक चांस लिया गया कि शायद वो अलगाववादी तत्व किसी प्रकार राष्ट्र की मुख्य धारा में आ जाए, नहीं हुआ। उसमें हमने बसपा से गठबंधन किया, उस समय हिंदू समाज में ऐसी फूट डालने का प्रयास किया जा रहा था कि जातिगत संघर्ष हो जाए चरम पे, तो सामाजिक कॉज को ध्यान में रखकर हमने वो गठबंधन किया कि शायद उस कारण से वो वैमनस्य सौहार्द में बदल जाए। हमने जेडीएस से गठबंधन किया, दक्षिण भारत में पहली बार जेडीएस एक पार्टी हमारे साथ आई तो हुआ कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो, मगर आप लोगों का गठबंधन किस आधार पे है? केवल किसी नेता की अहम मान्यता कि मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा है या मेरा ईगो इसके साथ टसल हो रहा है। तो क्या होता है, नेता तो अपनी पार्टी बदल लेते हैं, परंतु जो कार्यकर्ता हैं, आपके अन्य नेता हैं, जो काडर है, वो कसमसा कर रह जाता है कि भाई इसका तो हम कारण ही नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। जैसे शिवसेना चली गई महाविकास अघाड़ी के साथ, अब आप सोचिए कि बाला साहब ठाकरे जी की विरासत के लोग चले गए, उनको क्या लगता होगा। आप केसी त्यागी जी स्वयं सोचिए, मतलब उस जमाने में जेपी आंदोलन से लेके लालू प्रसाद यादव जी के जंगल राज के खिलाफ संघर्ष करने में भारतीय जनता पार्टी ने जितना साथ दिया, और आपने बिल्कुल सही कहा, पर यह भी याद दिला दूं कि समता पार्टी की 7 सीटें थी 95 बिहार विधानसभा में, भाजपा की 42, इसके बावजूद गठबंधन में हमने जेडीयू को ज्यादा सीटें दी थी 96 के लोकसभा में। पूरे लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकाल में 15 साल नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी के थे, यही सुशील कुमार मोदी जी थे, जेडीयू का नहीं था, मगर हमने साथ दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब आप किसी राजनीतिक कारण या सामाजिक कारण से गठबंधन करते हैं, कैडर और पार्टी आपके साथ रहती है, और जब व्यक्तिगत अहंमन्यता के कारण गठबंधन रहना टूटना होता है, तो 23 जून का वही इफेक्ट है। ये सब कुछ नहीं था, ये केवल सब नेताओं का व्यक्तिगत स्वार्थ और व्यक्तिगत अहम का गठजोड़ था। और इस पे मंजना जी एक पंक्ति कहना चाहूंगा, वो जो पुराना गीत था ना, वो आज इस तथा कथित महागठबंधन और जदयू या एनसीपी या शिवसेना पे क्या लागू होता है कि स्वरूप धरे जीने के लिए बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। और मान लीजिए वो बिहार की जनता से ये कह रहे हो कि रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में हम आज गुनहगारों की तरह, तो वो जनता कार्यकर्ता और अपने स्वाभाविक कैडर सबकी नजर में कभी जान से प्यारे थे, आज गुनहगार हो गए हैं और कगार के ऊपर आके खड़े हो गए हैं कि पता नहीं कब धक्का लगे वो नीचे गिर जाए। इसलिए सुशील मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं अपने कर्मों की स्वाभाविक परिणति से प्राप्त होंगे। ठीक है ब्रिजमोहन जी, इसके बाद मैं सुरेन जी आपके पास भी आ रही हूँ। वैसे सुरेन जी, सबसे सेफ आप ही की पार्टी है, एक मुश्त कांग्रेस के साथ तो कहीं अलायंस करके वो कुछ करने वाले नहीं है, आपके नेता अगर टूटकर उधर चले जाएं तो फिर तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। ब्रिजमोहन जी, आप मुस्कुरा तो रहे लेकिन लग रहा है अभी भी सदमे से उभरे नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर क्या हो रहा है। मतलब शरद पवार जी भी अड़े हुए हैं और इधर अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, मतलब पूरी तैयारी है, मतलब क्या हम माने चाचा भतीजा, एकदम हेड ऑन कोलिशन हो रहा है क्या ये? हाँ, इसमें तो कोई इनकार नहीं है कि हेड ऑन कोलिशन है, लेकिन ये बात सच है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार जी के नेतृत्व में पूरी तौर से तैयार है, और आदरणीय शरद पवार जी स्वयं इस समय जनता के बीच में उतर गए। कल उन्होंने सतारा में जिस प्रकार से उनका वेलकम हुआ ला, तो पूना से लेकर सतारा तक और सतारा से मुंबई तक सड़कों पर जिस प्रकार से लोग उनका स्वागत कर रहे थे, तो उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया कि आज भी महाराष्ट्र में और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अगर कोई चेहरा है तो आदरणीय शरद पवार। अब जहां तक बात जो लोग पार्टी से छोड़ के चले गए हैं, कुछ लोग चले गए हैं, तो ठीक है, ये एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी जमीन खिसक गई है ना ब्रिजमोहन जी। मतलब ये सिर्फ देखिए, सिर्फ अजीत पवार की बगावत नहीं है 2019 की तरह, इस बार प्रफुल्ल पटेल चले गए हैं, इस बार छगन भुजबल, इस बार दिलवंसे पाटिल, ये सारे अदिति तटकरे, ये सारे नेता चले गए हैं आपके। देखिए, जितने भी नेताओं के आपने नाम लिए, इनका इनकी पहचान और इनकी चमक सिर्फ इसलिए थी कि इनके ऊपर आदरणीय शरद पवार जी का आशीर्वाद था। अगर ये मानते हैं कि खुद अपने आप में नेता हैं, इस्तीफा दें और चुनाव लड़के बता दें, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ जीत के आएंगे, तो माना जाएगा कि उनमें नेतृत्व की कोई क्षमता है, नहीं तो सिद्ध हो जाएगा कि वो आदरणीय शरद पवार जी के कारण ही उनकी ये पहचान थी। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। इस पर एक जवाब दीजिए, इस पर एक जवाब दीजिए। और अभी तक ये जो 40-40 का दावा कर रहे हैं अजीत पवार, उन्होंने कभी तो विधायक दिखाए ही नहीं,
माना जा रहा है कि वही 8-9 जिनके साथ उन्होंने शपथ ली वही उनके साथ है। दफ्तर खोला, दफ्तर के खोलने के वक्त भी उनके समर्थक विधायक नहीं आए। दफ्तर पे कब्जा किया ताला तोड़ के ताला तोड़ रहे, वही ताला खोला हुआ, ताला तोड़ के कब्जा किया, यहाँ भी विधायक नहीं दिख रहे और आपने उनका स्वेरिंग इन भी करा दिया है सुधांशु जी। ये एनसीपी का अंदरूनी मामला है, परंतु ये भी मैं बात बता दूं, यदि ब्रजमोहन जी जो कह रहे हैं इनके पास विधायक होते तो अब तक इन्होंने घर पे बुला के बैठक करके दिखा दिया होता। याद करिए 98 में कल बैठक जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में गिराई गई, हमने फट से विधायकों की परेड करा दी थी, देखो भाई विधायक यहां है। और लोकतांत्रिक कांग्रेस के जब विधायक टूट के गए थे तो कल्याण सिंह जी उस समय सीएम थे, राजनाथ जी यूपी के अध्यक्ष थे, उनके घर पे तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा दिया था देखो विधायक क्या है। इसलिए ये जो विधायक वाली बात है, ये दावा जो ये कह रहे हैं ठीक है, सदन के पटल के ऊपर साफ हो जाएगा। और जो चुनाव की बात कही है ब्रजमोहन जी, अगले वर्ष ही तो चुनाव है, कोई बहुत दूर की बात तो है नहीं। लोकसभा का चुनाव है और एक साल और कुछ महीने के अंदर महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव है। परंतु जो आप बात कर रहे हैं, समस्या मूलभूत दूसरी, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, इस्तीफा दिलाइए, चुनाव लड़वा दीजिए, अभी पता लग जाएगा। मान्यवर इसीलिए तो मैं कह रहा हूं अगले साल ही चुनाव है, कोई बहुत दूर की बात नहीं है। और जहां तक ये बात है, ये बात सही है कि शरद पवार जी ने पार्टी खड़ी की थी, तो ये भी सोच लीजिए ना, शरद पवार जी कांग्रेस के नेता बन के आए थे, उन्होंने भी जब पार्टी छोड़ी थी तो कांग्रेस ने भी बड़ा दावा किया था कि कांग्रेस ने उनको नेता बनाया, सबसे युवा समय में मुख्यमंत्री बनाया और देखें अलग हो क्या होगा, वो कांग्रेस से बड़े हो गए। एक नहीं अनेक उदाहरण है जहां पर कि नेता जो किसी मुद्दों पर अलग हुए, ममता जी भी कांग्रेस में थी, बड़े लोग हैं, तो ये एक बात होती है क्रेडिबिलिटी। शरद पवार साहब की, बस एक लाइन पूरी कर दो ब्रजमोहन जी, जिस समय शरद पवार साहब ने कांग्रेस को छोड़ा था तो कांग्रेस से ज्यादा क्रेडिबिलिटी उनकी थी। आज मैं पुनः कह रहा हूं एक वाक्य जो मैंने कल बोला था, पुनः कह रहा हूं, पार्टी को परिवार मानना और परिवार को पार्टी मानने में जमीन आसमान का अंतर होता है। और सामान्यतः ये क्षेत्रीय दल जो परिवार आधारित हैं, परिवार केंद्रित हैं, वो इसी मुगालते में कंफ्यूजन में उनकी सारी गलती हो जा रही है कि वो परिवार को पार्टी मानने लग रहे हैं बजाय पार्टी को परिवार मानने के। बिल्कुल सही बात है, जब शरद पवार साहब ने पार्टी खड़ी की थी तो वो पार्टी को परिवार मान रहे थे। आज क्या स्थिति है भारतीय राजनीति के सबसे वरिष्ठ नेता, मैं कमेंट नहीं करना चाहता, परंतु शिवसेना हो या एनसीपी, कहीं ना कहीं वो इन्हीं दो सिद्धांतों में उलझी हुई नजर आ रही है। ठीक है, मैं एक बार आ रही हूँ आपके पास ब्रजमोहन जी, एक बार सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाने दीजिए। सुरेंद्र जी, आपकी कम से कम पार्टी पर खतरा नहीं है क्योंकि कांग्रेस प्लस बीजेपी कहीं नहीं हो सकता है, आपके सांसदों विधायकों के साथ क्यों हो, लेकिन कर्नाटक में आपने भी बीजेपी के कई नेताओं को खुली बाहों से स्वीकारा था। लोग ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा खुश कांग्रेस पार्टी ही है क्योंकि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में अब लगता है सबसे बड़ी पार्टी आप ही लोग बन गए। अंजना जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मति भ्रम का शिकार है और वो विधायकों का, सांसदों का ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए, आईटी के जरिए अगर वो अपहरण करना चाहती है तो उसको, अगर वो ये समझती है कि जनता का वोट का अपहरण कर रही है तो बहुत बड़ा मति भ्रम है भारतीय जनता पार्टी को। चुनाव आने दीजिए, क्लियर हो जाएगा। इन्होंने कर्नाटक की सरकार का भी अपहरण किया था, आपको याद होगा, केसी त्यागी साहब को भी याद होगा, सुधांशु भाई को तो खैर याद हो गई। जैसे इन्होंने अपहरण किया था कर्नाटक की सरकार का, कर्नाटक की जनता ने इनको करारा जवाब दे दिया। उसी तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार का अपहरण किया था, मध्य प्रदेश की जनता भी इनको करारा जवाब देने जा रही है। उसी तरीके से भी ये महाराष्ट्र में पूरी तरीके से, एक बड़ा पुराना सा शेर है ना कि जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। पहले तो कहते थे डबल इंजन की सरकार है, अब एक तीसरा इंजन भी लगा लिया। भाई इतने कमजोर इंजन हो गए आपके, इतने कमजोर इंजन, तीन तीन इंजन के बाद भी आप सरकार ने, अभी तो एक तख्ता पलट और होना है, सुधांशु जी कराने वाले हमें ऐसा लगता है, एक तख्ता पलट अब होगा, सिंधे को हटाएंगे, उसको बनाएंगे क्या नाम, फडणवीस साहब को, और इसको सिंधे साहब को डंप करेंगे। क्यों? क्योंकि दोबारा से ईडी की रेड चालू हो जाएगी। आज नरेंद्र मोदी जी से बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में एक हैं जिनका नाम ईडी है। अब आप देख लीजिए ना किस तरीके से ये लोग करते हैं। अभी सुधांशु जी बड़ा दर्प वाला चेहरा लेकर के बैठे हैं। सुधांशु जी 15 दिन पहले आप ही लोग चिल्ला रहे थे ना हसन मुशरिफ के लिए 100 करोड़ से ज्यादा हो गया, अजीत दादा पवार से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं। यानी इसका मतलब सारे भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की क्या सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है?
जो जो भी भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी, चाहे हसन पुजुशिप को ले लिया, अजित पवार साहब को, ये आपके कहे हुए भ्रष्टाचारी हम नहीं कह रहे, हम पहले बता दें आपसे, ठीक है ना, सारे के सारे भ्रष्टाचारियों को लेकर के आप 20-20 हजार करोड़, 30-30 हजार जो मनाता था आप कह देते थे हसन मुशरिफ के लिए, मंत्री काहे बनाए भाई, आप बताएंगे जरा सा? तो आप इस चीज को जरा सा देखिए कि अब आपकी जो परिस्थितियां चल रही हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं, आप महाराष्ट्र सहित पूरे देश में आप क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, भ्रष्टाचार पे आप बात नहीं कर सकते हैं, आप बिहार की सरकार को, अभी सुशील मोदी कह रहे थे उनके अपने घर में अपना वोट नहीं है, उनका खुद ही कहने लगे कि अब सुशील मोदी लायबिलिटी हो गए, गलती से बोल बैठे आपके सामने ही, अंजना जी अगर आपने ध्यान दिया हो, आप ही के इसमें भी इंटरव्यू जब आप ले रही थी, कहने लगे कि लायबिलिटी हो गए नीतीश, सुशील मोदी कहते कहते रह गए, सुशील मोदी खुद ही लायबिलिटी हो गए, बताइए। ये सब लोग आज की डेट में मिल करके जो जनता के नेतृत्व में गठबंधन हो रहा है, 23 तारीख का जो गठबंधन था, उसके उसके परेशानी का ये एक सबब है कि यहां पर अजीत पवार साहब को इन्होंने तोड़ा। जो शरद पवार साहब है, लिख लीजिए आप तो बिहारन है अंजना जी, वीर कुंवर सिंह का नाम आपने सुना होगा, 85 साल की उम्र में वो शख्स निकला था, 85 साल की उम्र में निकला था वो आजादी अंग्रेजों से लेने के लिए अपने घोड़े पे बैठ करके, और लखनऊ रायबरेली तक आ गए थे वो कुंवर सिंह की तरीके से शरद पवार साहब निकल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का भट्टा बैठना तय है, इस चीज को जान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी अब उबर नहीं सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी जनता पार्टी हो गई है, इन सारे के सारे नेताओं को अपने साथ लेकर के। ठीक है, एक जवाब दे दे त्यागी जी, चूंकि उन्होंने हाथ उठाया, उसका सुधांशु जी आपके पास आ रही हूं, उन्होंने मुझे बिहारन करा, बहुत गर्व से है, लेकिन पता नहीं कैसे कैसे आपने मंत्री बनाए हुए हैं त्यागी जी। आपके शिक्षा मंत्री कहते हैं कि बिहार के अभ्यर्थियों में अभ्यर्थी सक्षम ही नहीं है टीचर भर्ती में, क्या क्या आपने दिन दिखा दिया सर बिहार में। लेकिन आप उस मुद्दे पर आते हैं, जो आप बोलना चाह रहे थे वो भी बोल लीजिएगा अंजना बहन। आज का ये मैं, मुझे अच्छा लगता है सुधांशु जी के साथ विद्वतापूर्ण बहस का हिस्सा बनना। इन्होंने गठबंधन की राजनीति का जिक्र किया, जब लोहिया और दीनदयाल जी 67 में गैर कांग्रेसवाद चला रहे थे, तो आप तो साम्यवादी विचारधारा के सबसे बड़े विरोधी हैं। जनसंघ के और कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों के मंत्री चरण सिंह की सरकार में, बिहार में महामायावाद की सरकार में मिलकर के कौन सी सामाजिक रचना का रहस्योद्घाटन कर रहे थे, आप जानते होंगे, आप विद्वान आदमी हैं। ये पीडीपी, आप तो उसको मुख्य धारा में ला रहे थे, लेकिन आपके साथ घोषणा पत्र नहीं पढ़ा। मैं मुफ्ती जी के साथ एमपी रहा हूं, मैंने पढ़ा है कि वहां पे लोकल जो करेंसी है वो भी इंडिया की नहीं होगी, ये लिखने के बाद वो आपसे मिले हैं। और अभी मैं एक कार्यक्रम में था भूतपूर्व रॉ चीफ के साथ, उन्होंने मुझे बताया, आप कंट्राडिक्ट कर देना, अटल जी, मुफ्ती जी और महबूबा जी, तीन लोगों की कुर्सी लगी हुई है, भाषण चलने वाला है अटल जी का, अटल जी पूछ रहे हैं तीसरी कुर्सी किसकी है, रॉ चीफ दुर्लभ साहब को बुलाया जाता है, वो कहते हैं कि महबूबा की है, इसने कहा हटाओ। अटल जी के मुंह से निकलता है कि दैट शी हैज हिजबुल मुजाहिदीन कनेक्शंस, मेरे साथ नहीं बैठ सकती, आप तो उनके साथ भी अलायंस कर लिया। तो ये जो अलायंस हो रहे हैं, ये कोई पवित्रता के साथ आप करते हो तो ठीक है, ठीक है, दूसरा कोई अलायंस किसी के साथ करता तो उसमें आपको अपवित्रता दिखती है, ऐसे ही। और चलिए ठीक है, सुधांशु जी एक बार जवाब दे लें जी, सुधांशु जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं, हाँ इस पे जवाब दीजिए। अजीत पवार का सर, सर सवाल तो सुन लीजिए सुधांशु जी, सुधांशु जी सवाल सुन लीजिए, और दुलत साहब पे भी आप बोल दीजिएगा। सवाल ये है कि अजीत पवार जेल में चक्की पिसिंग से लोटस खिलिंग वाला जो ये पूरी प्रक्रिया है, उस पर सबका कहना है ना कि आप इतने नेताओं को जो शामिल कर लेते हैं, सबको धो देते हैं सर, वो तो कमाल ही है। मतलब आप सोचो सर, महाराष्ट्र में छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, सब एक से एक, और सब एकदम लोटस खिलिंग एंड वाइट होइंग हो रहा है। दोनों बातों का उत्तर देता हूं। पहले मैं विनम्रता से त्यागी जी को याद दिला देना चाहता हूं, दुल्लत साहब की जिस किताब से आपने ये उदाहरण दिया है, वो उन्होंने आईएसआई चीफ के साथ को ऑथर के रूप में लिखी थी, इसलिए उस किताब के ऊपर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं कि भारत के पूर्व रॉ चीफ ने आईएसआई के चीफ के साथ लिखी, ऐसा मीडिया में आया था।
तो इसलिए वो विषय अपनी जगह है। अब हम इसके ऊपर आते हैं। अंजना जी, आजकल विपक्ष के नेताओं में एक बड़ा खूबसूरत हुनर आया है, अपने को ऊपर तमगा लगा के छाती पीट पीट के अपने को भ्रष्टाचारी कहने का। जैसे ही इनका कोई नेता इनको छोड़ता, पहले तो बहुत स्पष्ट कर दूं, अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन की, छगन भुजबल ने भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन की, और मूलता तो मुझे जहां तक याद है छगन भुजबल साहब पहले शिवसेना में हुआ करते थे, उसके बाद वो वहां से कांग्रेस में गए, फिर एनसीपी में गए और इस समय एनसीपी में है। तो हाँ, इनमें से किसी ने भी भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन की है, ये एनसीपी ही है, और वही एनसीपी है जिसके अंदर वास्तविक एनसीपी की लड़ाई है। तो अगर आप बिल्कुल टेक्निकली देखें तो इसका भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति से मतलब नहीं है। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे विपक्ष के नेता इस समय बड़े गर्व से छाती ठोक ठोक के, जैसे इनका कोई पार्टी का नेता छोड़ता है तो अपनी सरकार को भ्रष्टाचारी सिद्ध करने में लग जाते हैं, पूर्ववर्ती सरकार को। मतलब आज सुरेंद्र राजपूत जी जिस कांग्रेस के मुख्यमंत्रित्व काल में 15 साल सरकार चली महाराष्ट्र में, वो सरकार कितनी भ्रष्ट थी ये पूछना हो तो सुरेंद्र राजपूत जी से पूछ दीजिए। एनसीपी के ब्रजमोहन जी बैठे हैं, इनकी 15 साल सरकार चली, ये अभी आके खुद गवाही देने लगते हैं, अरे हमने ये भ्रष्टाचार किया, वो भ्रष्टाचार किया, देखो सारे भ्रष्टाचारी वहां चले गए। तो मैं समझ नहीं पाता हूं कि आप हमें दोष देना चाहते हैं कि अपनी पोल खोलना चाहते हैं, ये एक विचित्र प्रकार की बात। मैं एक उनसे ये सवाल पूछ लूंगी, लेकिन सुधांशु जी, आप लोगों को इस बात से रंजिश होती है कि नहीं? बीजेपी के नेताओं को सुनिए तो मेरी बात, इस बात से रंजिश होती है कि नहीं कि अगर मैं विपक्षी पार्टी में होता, मुझ पर भी कुछ दाग होते तो मैं भी शामिल होकर मंत्री हो जाता या समर्थन दे देता, मंत्री बन जाता। बीजेपी वाले तो मुंह ताकते रह जाते हैं। इस बीच खबर आ रही है, मुंबई में अपने बंगले पर शिंदे ने मीटिंग बुलाई है, कल ये बैठक होने वाली है। कल का दिन महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा है, याद रखिए किसमें कितना है दम, जोर आजमाइश होगी, क्योंकि कल एक तरफ अजीत पवार भी बैठक बुला चुके हैं, दूसरी तरफ शरद पवार भी। कौन से विधायक किधर जाते हैं इस पर भी नजर रहेगी कि किसके खेमे में ज्यादा विधायक पहुंचते हैं। इसी के साथ सांसद नेता कौन कहां ज्यादा पहुंचता है, तो एकनाथ शिंदे ने भी कल बैठक बुलाई है। छोटा सा जवाब सुधांशु जी इस पर, आप लोग को रंजिश होती है कि नहीं कि दूसरी पार्टी में रहते हम पर भी कुछ दाग होते तो हम भी आ जाते मंत्री बन जाते और बीजेपी वाले देखते रह जाते हैं? ईमानदार जवाब दीजिएगा सर। देखिए जो संजय राउत जी ने कहा, बिल्कुल प्रसाई संजय राउत जी ने जो बोला है ना, वो अपनी बात भूल गए। 50 वाले चाह रहे थे कि 105 वाला सीएम ना बने, जबकि ये पहले से तय था, और उस 50 वाले में भी वास्तविक सत्ता 5 के हाथ में रहनी चाहिए थी, 40 टहलने चाहिए थे, वो 40 चले गए। तो मुझे लगता अगर ये बात वो पहले समझ गए होते 2019 में, तो शायद आज उनकी यह गति या दुर्गति नहीं होती। खैर, अगर अब भी सद्बुद्धि आ गई हो तो आगे के भविष्य की राजनीति में इस बात का ध्यान। एक एक लाइन की सिर्फ मतलब बात हो पाएगी सुरेन जी, दाग वाले इतने घूमते क्यों हैं? ये सवाल मैं रोज पूछ रही हूं कि शर्ट पर इतने दाग हैं तो वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल हो ही जाता है फिर तो। देखिए, सच बात यह है अंजना जी, एक 10 मिनट के लिए या एक दिन के लिए आपको ईडी सीबीआई और क्या नाम इनकम टैक्स दे दें ये लोग, तो आप नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस ज्वाइन करा देंगी, इस चीज को जान लीजिए। सुधांशु जी की तो बात छोड़ दीजिए, और आप बन जाएंगे प्रधानमंत्री, एक बार दे करके देख लें 24 घंटे। सुधांशु जी सिर्फ एक लाइन में जवाब, सुधांशु जी एक लाइन में जवाब। अरे सुनिए जनाब, 2 साल इमरजेंसी लगा के जेल में ठूसा था, तब कुछ नहीं कर पाए थे मान्यवर, इसलिए ये दिल की आरजू है उभर के आ जाती है सामने कि एजेंसी का दुरुपयोग करेंगे। मैंने याद दिला दिया, जेल में ठूस कर 1.5 साल में लोकतंत्र को नहीं चेंज कर। चलिए, इसी के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के।